Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Before we proceed, there is an announcement for all students community. Aaj se we are going to start a new batch at SPMIS Academy for both foundation course for APSC and UPSC as well as PSIR optional. ये PSIR optional मैं पढ़ाऊंगा, I am Satyajit Kumar, and ये जो foundation course है that will start at 10 a.m. while PSIR optional का क्लास टाइमिंग होगा फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स. और इन दोनों ही बैचेज की 3 डेमो क्लासेस फ्री अवेलेबल हैं आप सबके लिए. आप चाहें तो इसको ऑनलाइन मोड में अटेंड कर सकते हैं ये 3 डेमो क्लासेस, या ऑफलाइन मोड में भी अटेंड कर सकते हैं बाय विजिटिंग आर सेंटर. जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में इस 3 डेमो क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग लिंक शेयर कर देंगे इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about the problem of hidden hunger in India. And this topic is important from our syllabus paper 3, governance point of view. So, सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. एज आई टोल्ड यू दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर. तो इसका जो रूट कॉज इन्होंने बताया है दैट इज़ द चैलेंजेज एसोसिएटेड विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP एंड PDS सिस्टम. अब MSP क्या होता है और PDS क्या होता है, आई होप आप सब तो जानते ही हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द मिनिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट एजेंसी FCI प्रोक्योर्स फूड क्रॉप्स, 26 नोटिफाइड फूड क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर, एंड दिस प्राइस इज अनाउंस्ड इवन बिफोर द सोइंग सीजन. तो प्री सोइंग सीजन में एक क्रॉप का प्राइस अनाउंस कर दिया जाता है. इट इज़ ए प्राइस इंश्योरेंस स्कीम कि अगर मार्केट में आपका क्रॉप नहीं बिकता है फार्मर्स का तो कम से कम इतने प्राइस में तो हम खरीद ही लेंगे. MSP हम कई दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. और PDS सिस्टम तो आप जानते ही होंगे, आपने आसपास में भी राशन की दुकान देखी होगी जहाँ पे सरकार और उसकी एजेंसी FCI फूड को प्रोक्योर करती है, राइस वीट इन सब को प्रोक्योर करती है. फिर PDS शॉप्स के थ्रू जो नीडी लोग हैं, जिन जो पुअर लोग हैं उनको ये फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराती है थ्रू PDS शॉप. लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेज हैं, ऐसा हाईलाइट किया गया है इस आर्टिकल में. एंड इट लीड्स टू 3 मेन इशूज़. इट लीड्स टू राइज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर और माल न्यूट्रिशन, इट लीड्स टू फूड वेस्टेजेज, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू अनसस्टेनेबल फूड सब्सिडी. तो तीनों कैसे होते हैं जरा समझते हैं कि क्यों ये तीनों प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ PDS एंड MSP सिस्टम वर्क्स इन आवर कंट्री इन प्रेजेंट फॉर्मेट. तो देखो, ये फार्मर है हमारा अगर, तो ये जो भी फूड ग्रेन उगाता है उसको जाकर के अपने नियरेस्ट मंडी में बेचना होता है अभी के सिस्टम के हिसाब से, APMC नॉर्म्स के हिसाब से. और इसी को ब्रेक करना चाह रही है सरकार थ्रू दिस 3 न्यू फार्म लॉज जिसके अगेंस्ट इतना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली और आसपास के एरिया में. तो ये सब तो आप समझते ही हैं, मंडी सिस्टम, APMC, कई दफ़ा हम भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में. तो ये फार्मर जाकर के इसको नियरेस्ट मंडी में अपना फूड क्रॉप बेचना होता है. और यहाँ नियरेस्ट मंडी में प्राइवेट बायर्स भी होते हैं, मर्चेंट्स भी होते हैं जो फार्मर से फूड क्रॉप खरीद सकते हैं आफ्टर नेगोशिएशन बिटवीन द फार्मर एंड द मर्चेंट. उसके अलावा FCI का इस तरह का छोटा छोटा यूनिट होता है, छोटे छोटे बाइंग या प्रोक्योरमेंट सेंटर होते हैं. और फार्मर के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो प्राइवेट बायर्स को अपना फूड क्रॉप बेच दे या FCI के गोडाउन में जाकर के या FCI के इस प्रोक्योरमेंट यूनिट में जाकर के अपना फूड क्रॉप बेच दे एट MSP. सरकार ने मान लो पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो वीट 50 रुपये पर KG खरीदेगी एट MSP. अब ये फार्मर जाएगा मंडी में और इसको अगर कोई 50 रुपये में खरीदने वाला ग्राहक नहीं मिलता है प्राइवेट बायर, तो ये 50 रुपये में MSP में तो कम से कम अपना फूड ग्रेन बेच ही देगा. अगर 55 में मिल जाता है, 60 में मिल जाता है प्राइवेट बायर, तो ये अपना प्राइवेट बायर को फूड ग्रेन बेच देगा. तो इस तरह का सिस्टम है, इस तरीके से प्राइस इंश्योर कराया जाता है फार्मर्स के लिए कि ये तो मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा ही. तो कुछ नहीं हुआ तो MSP ये फूड ग्रेन खरीद लेती है और MSP उसको लेकर के स्टॉक होल्डिंग करती है, अपने पास जमा करती है. और फिर यहाँ अपने MSP अपने गोडाउन से या स्टॉक होल्डिंग से इसको डिस्ट्रीब्यूट कराती है अलग अलग PDS शॉप्स पे, और फिर PDS शॉप से इस तरह से गरीब लोगों को जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं उनको ये फूड ग्रेन्स मिलता है.
अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एमएसपी है ये एक तरह का पॉलिटिकल टूल बन गया है, और जो भी नई सरकार आती है वो एमएसपी को और बढ़ा देती है। एमएसपी वाज ए काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस कि अगर कहीं नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे, तो दैट शुड बी वेरी लो, मार्केट प्राइस से इसको कम होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल टूल बन गया है, फार्मर्स के वोट को कलेक्ट करने का एक तरीका बन गया है पिछले कई सालों से, तो जो भी सरकार आती है एमएसपी बढ़ा देती है। तो हुआ ऐसा है इन लास्ट 3-4 decades कि एमएसपी हैज़ बीन इन जनरल हायर देन द मार्केट प्राइस। जो ये प्राइवेट बायर्स हैं ये खरीद नहीं पाते हैं जितना एमएसपी पे सरकार अनाउंस कर देती है कि हम खरीदेंगे, और यही कारण है कि सारा का सारा जो फूड ग्रेन फार्मर उगाता है वो सब का सब मोर और लेस एमएसपी पे बिक जाता है और एफसीआई को खरीदना पड़ता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है जरा समझो। अभी एफसीआई के पास वैसे तो 26 नोटिफाइड क्रॉप्स को खरीदने का ऑर्डर है अंडर एमएसपी, क्योंकि एमएसपी में 26 क्रॉप्स अवेलेबल हैं, लेकिन एफसीआई के पास इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वो सारे के सारे क्रॉप्स खरीद सके। देखो, हर एक क्रॉप को खरीदने के लिए अलग अलग तरीका चाहिए। जैसे अगर मस्टर्ड खरीदना है तो उसका क्या क्वालिटी है, क्योंकि जैसा भी क्वालिटी लाए फार्मर वो तो खरीदेगा नहीं ना, एफसीआई वाला सब कुछ तो नहीं खरीदेगा, सरा गला कोई भी आइटम तो खरीदेगा नहीं। तो उसका एक प्रॉपर ग्रेडिंग का होता है कि इस ग्रेड का कम से कम होना चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम होता है। अब वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सारे फूड ग्रेन्स के लिए अवेलेबल है नहीं, नाम का एमएसपी अनाउंस कर देती है सरकार 26 फूड ग्रेन्स के लिए, लेकिन इफेक्टिवली एमएसपी इज अवेलेबल ऑन राइस एंड वीट ओनली या मेनली, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर क्रॉप्स आर मिसिंग। तो ये कई सालों से इसी तरह का चल रहा है, तो फार्मर्स को भी पता चल गया है कि चाहे 26 क्रॉप्स हैं एमएसपी के अंतर्गत, लेकिन एमएसपी पे दो ही क्रॉप्स बिकते हैं मेनली, राइस और वीट। तो यही कारण है कि फार्मर्स भी राइस और वीट ही उगाते हैं ज़्यादातर, खासकर उन सारे एरियाज में जहाँ पे एमएसपी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो राइस भी उगा लेते हैं, वीट भी उगा लेते हैं, एंड दैट लीड्स टू फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखिए कैसा है कि वीट तो नेचुरली सूट करता है इन सारे एरियाज के फार्मर्स के लिए, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो सॉयल है, का नेचर है, वहाँ पे वीट तो उनको सूट करता है, लेकिन वो राइस भी उगा लेते हैं जस्ट बिकॉज राइस जो है वो एमएसपी में खरीदा जाता है। और ये राइस, ये फार्मर्स थोड़े से डेवलप्ड हैं, अमीर हैं, तो वो कैसा करते हैं, इस तरह के बोरिंग पंप्स लगा लेते हैं और मोटर खरीद करके वो अनसस्टेनेबल तरीके से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि राइस उगाना होता है और राइस में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इस तरीके से लोग अपने एरिया में राइस भी उगाते हैं इन ऑर्डर टू सेल इट एट एमएसपी, क्योंकि उनको पता है एमएसपी पे राइस और वीट ही बिकेगा, और वीट तो ये लोग आराम से उगा लेते हैं, फिर राइस भी सस्टेनेबल तरीके से पानी को एक्सट्रैक्ट करके उगाते हैं। और ये कारण है कि पानी का जो लेवल है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत फास्ट तरीके से डिप्लीट होता जा रहा है। तो एक तो पहला इशू आपको दिख गया एसोसिएटेड विद दिस एमएसपी एंड पीडीएस सिस्टम कि बस राइस एंड वीट खरीदा जा रहा है, तो इस कारण से फार्मर बस राइस और वीट उगा रहा है, भले उसके यहाँ पर राइस का कंडीशन सपोर्ट हो या ना हो। अब दूसरा प्रॉब्लम देखिए, सारे के सारे फार्मर जाकर के अपना फूड ग्रेन जाकर के राइस और वीट बेच देते हैं एफसीआई में। अब एफसीआई के पास स्टोरेज का इतना कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि सरकार का नियम है कि एमएसपी पे जो भी फार्मर बेचना चाहे एफसीआई उसको मना नहीं कर सकता। तो वीट एंड ग्रेन तो इनको, वीट एंड राइस तो इनको खूब खरीदना पड़ता है एफसीआई वालों को, और उनके पास इस तरह का साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी इतना ज़्यादा है नहीं। और ये कारण है कि इस तरीके से खुले में ये लोग अनसाइंटिफिक तरीके से फूड ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, और चूहे खा जाते हैं फूड ग्रेन, बारिश में ख़राब हो जाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारा फूड ग्रेन जो हमारे देश में उगता है वो बर्बाद हो जाता है। और एफसीआई के ऊपर भी बहुत हेवी अनसस्टेनेबल तरीके से फूड सब्सिडी का लोड आ चुका है, क्योंकि एफसीआई को अपने पास से खरीदना होता है, बाद में भारत सरकार इसको कंपनसेट करती है, एंड एफसीआई इज अंडर अ ह्यूज फूड सब्सिडी और अ डेट ऑफ ₹3 लाख करोड़। इनफैक्ट हमारे देश में फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा दिया जाता है, एंड दैट हैज मूव टू एन अनसस्टेनेबल लेवल। और फूड सब्सिडी दे करके भी अगर गरीब लोगों तक खाना पहुंचे तो कोई बात बने, तब तो गरीब लोगों का फायदा हो, तो दैट फूड सब्सिडी इज मीनिंगफुल। लेकिन अगर सब्सिडी दे करके हम उसको फूड ग्रेन को जमा कर रहे हैं और चूहे खा रहे हैं, बरसात में वो फूड ग्रेन खराब हो रहा है, तो दैट इज ऑफ नो यूज। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, पहला फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विद दिस मॉडल, दूसरा प्रॉब्लम अनसस्टेनेबल फूड सब्सिडी एंड वेस्टेज ऑफ फूड, और चौथा प्रॉब्लम आप देखिए, जब पीडीएस शॉप में आता है तो आपको तो पता ही कि पीडीएस शॉप में कितना करप्शन होता है, यहाँ का जो
पीडीएस शॉप का ओनर होता है वो फूड ग्रेन को चुरा करके मार्केट में बेच देता है, तो ये एक प्रॉब्लम तो है ही। ये पांचवा प्रॉब्लम है। छठा, द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर अलॉन्ग एसोसिएटेड विथ दिस एमएसपीएन पीडीएस सिस्टम। कैसा होता है कि फार्मर बस राइस एंड वीट उगा रहा है, तो स्टॉक होल्डिंग के थ्रू पीडीएस शॉप में भी बस राइस एंड वीट ही पहुँच रहा है, और राइस एंड वीट में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। उससे होता क्या है कि हमारा पेट तो भर जाता है, अगर हम ज़्यादा ज़्यादा राइस एंड वीट खा रहे हैं तो हमारा पेट तो भर जाता है, हमें लगता है कि हमें भूख नहीं है, ऊपर से हमें लगता है कि हम हेल्दी भी हैं, लेकिन अंदर से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हमारे अंदर कमी हो जाती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने को ही हम कहते हैं हिडन हंगर, इसी को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो पीडीएस और एमएसपी का जो एक्सेस है, दैट इज लीडिंग टू दिस प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर एज वेल। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम हैं एसोसिएटेड विद दिस करेंट मॉडल। तो ये है करंट मॉडल, और इसके कई सारे प्रॉब्लम्स गिना दिए हमने। अशोक गुलाटी साहब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने फिर इससे एक बेहतर मॉडल सजेस्ट किया कि आखिर क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए, फार्मर जैसे अपना फूड ग्रेन उगाता है उसको उगाने दीजिए, और वो जा करके अपना फूड ग्रेन ओपन मार्केट में बेचे, ओपन मार्केट में, वहाँ पे सरकार का कोई इंटरवेंशन ना हो, डिमांड सप्लाई पे अपना फूड ग्रेन बेचे, जो जिस प्रोडक्ट का डिमांड हो वही जाकर के बेचे। अगर मान लीजिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का डिमांड है जिससे आयरन मिलता है, तो वो जाकर ये उगाए और वो जाकर के बेचे, और जो गरीब लोग हैं जिनको अभी तक पीडीएस के थ्रू सरकार मदद करती है वो भी जाकर के ओपन मार्केट से सामान खरीदें। तो आपके मन में नेचुरल सवाल उठेगा कि सर फिर फार्मर्स का तो एक्सप्लॉयटेशन होगा, गरीब लोगों को तो बहुत सारा ज़्यादा पैसा देना होगा ओपन मार्केट से पैसा ये फूड ग्रेन को खरीदने के लिए, फिर इनका तो और एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो इसके लिए फिर एक दूसरा सॉल्यूशन है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट। सरकार वो पैसा दे लेकिन ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ना करके डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे, इन लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे, फार्मर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे। मान लो, समझ लो कि ये 70 रुपये का वीट मिल रहा है मार्केट में, और पहले इनको पीडीएस में 10 रुपये का वीट मिल जाता था पर केजी पीडीएस शॉप से। तो जो ये लोगों को आप कहो कि आप 70 रुपये का जाकर के मार्केट से खरीदो, पहले 10 रुपये का मिलता था पीडीएस शॉप, उसको बंद कर दो, 70 रुपये का मार्केट में से जाकर के खरीदो, लेकिन जो डिफरेंशियल अमाउंट है 60 रुपये का, वो भारत सरकार आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगी। और वैसे ही फार्मर्स को भी पहले एमएसपी पे मान लो 50 रुपये पर केजी राइस बिक जाता था, मार्केट में वो बेचने गया तो बस 30 रुपये पर केजी राइस बिकी, तो 20 रुपये भारत सरकार फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इस तरीके से ये सब जो इनफिशियंट तरीके हैं, करप्ट प्रैक्टिसेज हैं, वेस्टेज है, वो सब काउंटर किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस मार्केट मॉडल। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी समझा देता हूँ, देखो क्यों ये आर्टिकल आया है, ताकि आपको और बेहतर समझ आए। वैसे इस बात को एग्जाम में लिखना नहीं है। देखो, अशोक गुलाटी साहब हमेशा से ही मार्केट मॉडल के फेवर में रहे हैं, और वो जो ये 3 फार्म बिल हाल फिलहाल में लाए गए हैं जिसके कारण इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके सपोर्ट में है। उनका मानना है कि 3 फार्म बिल से मार्केट मॉडल और स्ट्रेंथन होगा और फार्मर्स को और बेहतर प्राइस मिलेगा, उनको और नेगोशिएशन पावर मिलेगा, और यही कारण है कि उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, क्योंकि ये 3 फार्म बिल हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, कि ये फार्म बिल जो है फार्मर्स के भले के लिए। ये तो 3 फार्म बिल है, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग फार्मर्स टू एक्सेस द मार्केट डायरेक्टली। आप जाओ सीधा मार्केट में, और वहाँ पे आपको जो रिटर्न मिल रहा है मिलो, सरकार तो ऊपर से है ही, अगर आपको कोई दिक्कत होगी, आपको कम प्राइस मिलेगा, तो सरकार आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी। तो यही वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। इससे होगा क्या कि फार्मर भी वो सारे क्रॉप्स उगाएगा जिससे उसको बेहतर रिटर्न मिले, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उगाएगा, और इससे जो हिडन हंगर का प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगा। मार्केट में ये सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आएंगे, ये लोग भी खाएंगे, तो आयरन की कमी, मैग्नीज की कमी, ये सब खत्म हो जाएगी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट टॉक्स अबाउट डेमोक्रेटिक 7 और D7 कंट्रीज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, लगभग 2 वीक पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साहब ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉल करके रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, जो इंडिया की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होने वाली है 26 जनवरी को, उसमें वो चीफ गेस्ट की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू कोविड पैंडेमिक।
ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया ने इनवाइट किया था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब को एज ए चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, लेकिन अब कोविड पैंडेमिक जो यूके में एक काफ़ी जो कॉन्टेजियस स्ट्रेन चला है उस कारण से बोरिस जॉनसन साहब ने रिग्रेट एक्सप्रेस किया, क्षमा मांगी कि हम वो अटेंड नहीं कर पाएंगे इंडिया का ये सेलिब्रेशन। और इसके बाद ऐसा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 55 ईयर्स देर विल बी नो चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। ये तो चलो बैकग्राउंड है, लेकिन 2 वीक पहले उन्होंने मना कर दिया इंडिया के इस रिक्वेस्ट को। तो अब उसको समझ लो मेकअप करने के लिए, या जो भी आप कह लो उसको मेकअप करने के लिए, उन्होंने 2 वीक बाद फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉल लगाया और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया पार्टिसिपेट करे इन द G7 मीटिंग दैट इज़ टू बी हेल्ड इन जून। देखो G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं इसमें इंडिया ओरिजिनल मेंबर है नहीं, लेकिन इसमें उन्होंने इनवाइट किया है बोरिस जॉनसन साहब ने कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करे। और उन्होंने कहा है कि इनफैक्ट G7 को हमें एक्सटेंड करना चाहिए एंड G7 शुड बी ऑल्सो नोन एज G7+3। G7 तो है ही, जैसे ईस्ट एशिया समिट है उसमें आसियान के कंट्रीज हैं प्लस 8 कंट्रीज और हैं, मैंने 1-2 दिनों पहले आपको बताया था। वैसे ही उन्होंने कहा कि देखो G7 तो है ही, उसके अलावा हमें एक और ग्रुपिंग बनानी चाहिए इनफॉर्मल ग्रुपिंग जिसका नाम होना चाहिए G7+3, और इस ये जो एक्स्ट्रा 3 कंट्री हैं दे शुड बी इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया एंड इस G7+3 शुड बी नोन एज D10। इसी तरह का सजेशन पिछले साल US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी दे चुके थे कि G7 को एक्सटेंड किया जाए, उसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए। ये D10 का फुल फॉर्म होगा डेमोक्रेटिक 10 अकॉर्डिंग टू बोरिस जॉनसन। और इसमें ये D10 का डेमोक्रेटिक 10 इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया की ये बस 10 ऐसे कंट्रीज हैं, लेकिन नंबर्स में तो बस 10 हैं लेकिन 60% ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिव्स इन दीज 10 कंट्रीज। मतलब ये दुनिया के 10 सबसे पावरफुल सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और इनको साथ में आना चाहिए और एक ग्रुप बनानी चाहिए, उसका नाम भी इन्होंने सजेस्ट कर दिया D10, ताकि दुनिया भर में डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके। अब ये जो प्रपोजल है D10 का, इसी तरीके का लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया था, दिस प्रपोजल ऑफ D10 कुड बी सीन अगेंस्ट चाइना एज अ स्टेप टू काउंटर चाइना। तो ये क्यों चाइना को के अगेंस्ट ये स्टेप को माना जा सकता है, क्योंकि चाइना तो आपको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पे सिंगल पार्टी रूल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। तो चाइना को काउंटर करने के लिए एक दूसरा स्टेप माना जा सकता है, जैसे क्वाड है, मालाबार है, आप समझो जो D10 सजेशन मेड बाय बोरिस जॉनसन कैन बी कंसिडर टू बी अनदर स्टेप टू काउंटर चाइना डेमोक्रेटिक 10। अब एक बार जरा समझ लेते हैं कि G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं। देखो G7 आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 7 इकोनॉमीज, 7 लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज आर G7, और जो 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया भर की ये हैं फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, US, कनाडा एंड जापान। ओवरऑल इंडिया भी रैंकिंग में ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ GDP नंबर्स की बात नहीं है, ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं G7। ऐसा नहीं है, आप तो कह सकते हैं कि सर इंडिया भी तो 5वें नंबर पे हैं ही इन टर्म्स ऑफ GDP, बट इंडिया ओवरऑल GDP पर कैपिटा में या ओवरऑल लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे पीछे है। तो हर मायनों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इन जनरल पर कैपिटा या लेवल ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उन ग्रुप्स उन उस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ के ग्रुपिंग को हम कहते हैं G7 या ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और उसमें ये 7 कंट्री इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। पहले दिस ग्रुप वॉज नोन एज G8, इसमें रसिया भी इसका मेंबर था, लेकिन रसिया को 2014 में ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। तो क्रीमियन एनेक्सेशन तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऐसे क्रीमिया एक छोटा सा आइलैंड यूक्रेन का, उसको फोर्सफुली रसिया ने एक्वायर कर लिया 2014 में। उसके बाद से G8 के अंदर से रसिया को एक्सपेल कर दिया गया एंड G8 बिकेम G7। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट टॉक्स अबाउट 29 डेथ्स इन नॉर्वे आफ्टर कोविड वैक्सीन। अब ये जो आर्टिकल है दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ आवर सिलेबस, बट फिर भी मैंने इसको कवर किया बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट शुड नो दिस। देखिए लगभग 29 लोगों की डेथ हो चुकी है नॉर्वे आफ्टर टेकिंग कोविड वैक्सीन सॉर्ट ऑफ फाइजर। जो हमारे देश में भी जो वैक्सीन बट रही है वो यही है, फाइजर वाली ही है। अब सवाल ये उठता है कि इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो यूरोपियन हेल्थ एजेंसी ने कहा है कि नो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो ज़रा समझते हैं क्यों 29 लोगों की डेथ हो गई फिर भी यूरोपियन हेल्थ एजेंसी कह रहा है कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, समझते हैं क्यों। तो ये क्यों मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, इसको समझने से पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि देखिए कोई भी वैक्सीन में होता क्या है कि जिस वायरस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करना है उसी वायरस को थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से कमज़ोर करके हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है।
जैसे कि इस केस में कोविड वायरस है, सार्स कोविड टू स्ट्रेन वायरस है, अब इसको थोड़ा कमज़ोर कर दिया गया। कमज़ोर करने का मतलब है कि अब वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, अपने नंबर्स को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में। लेकिन उसी वायरस के, जिस वायरस के अगेंस्ट हमें अपने खुद को प्रोटेक्ट करना है, उसी वायरस को थोड़ा कमज़ोर करके, मॉडिफाई करके हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जब वो वायरस हमारे बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अपने आप डेवलप हो जाता है उसके अगेंस्ट, और एंटीबॉडीज डेवलप करने लगता है, और इसी तरीके से हमारी एंटीबॉडी एक्टिव, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है अगेंस्ट दैट वायरस। जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है तो फ्यूचर में इस तरह का वायरस फिर हमारे बॉडी पे अटैक नहीं कर पाता है। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम, जिस तरीके से कोई भी एक वैक्सीन काम करता है। मुद्दा ये है कि जिस वायरस से हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ दिस वैक्सीन, वही वायरस हमारे बॉडी में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन थोड़ा वीक करके, उसको मॉडिफाई करके। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो देखो होंगे ही, जब वो वायरस हमें मार सकता है इन जनरल, तो जब उस वायरस को हम अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होगा ही, लेकिन चूंकि हमने इसको कमज़ोर कर रखा है तो ये इन जनरल हमारी डेथ नहीं कराएगा, ये मान करके चला जा रहा है मोर और लेस, बट सम साइड इफेक्ट्स आर ऑलवेज वॉरेंटेड एक्सपेक्टेड। अब जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं ये नॉर्वे में, उन लोगों का एवरेज एज 75 to 80 ईयर्स का रहा है। अब दिक्कत क्या है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उनके अंदर जब ये कमज़ोर वायरस भी इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। और यही कारण है कि ये 29 लोगों की डेथ हुई है नॉर्वे में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन काम का नहीं है। ओल्ड एज और जो वीक लोग हैं, फ्रेल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन अभी भी फैटल साबित हो सकता है, लेकिन जो रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन है, जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, उसके लिए ये वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम करेगा अकॉर्डिंग टू यूरोपियन हेल्थ एजेंसी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट टॉक्स अबाउट प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, एक दो दिनों पहले ऑन 16 जनवरी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के इंपॉर्टेंट स्टार्टअप से इंटरैक्ट किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक इंटरनेशनल समिट जिसका नाम है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, उसको भी एड्रेस किया। तो अब जरा समझते हैं कि ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है क्या। देखिए, दिस समिट वॉज कॉल्ड टू मार्क 5th anniversary ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। आज से 5 साल पहले 16 जनवरी 2016 को हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया समिट लॉन्च की गई थी, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे आज 5 साल बाद प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट बुलाई गई है। देखिए, जब 2-3 साल पहले अगस्त 2018 में बिम्स्टेक समिट हुई थी, बिम्स्टेक कंट्रीज की जब समिट हुई थी काठमांडू में, तो वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो इन बिम्स्टेक कंट्रीज के स्टार्टअप्स का एक कॉन्क्लेव कराएंगे या इंटरनेशनल समिट कराएंगे, और उसी कमिटमेंट को फॉलो करते हुए ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को बुलाया गया। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, दो चीज़ें हैं, 5 साल पूरे हो गए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के, और दूसरा बिम्स्टेक समिट 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो बिम्स्टेक कंट्री के स्टार्टअप हैं उन सब के स्टार्टअप्स की एक मीटिंग वो कराएंगे, ताकि स्टार्टअप्स अपने बीच में इंटरैक्ट करें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें। इन दोनों चीज़ों को एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट बुलाई गई है, जहाँ पर फोकस होगा कि जो बिम्स्टेक के कंट्रीज़ हैं उनके स्टार्टअप्स मिलें, आपस में नेगोशिएट करें और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, बेस्ट प्रैक्टिसेज आपस में शेयर करें। बिम्स्टेक कंट्रीज़ तो आपको पता ही हैं कौन से कंट्रीज़ हैं, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इसमें इंडोनेशिया भी होगा बिम्स्टेक में। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में भी जरा समझ लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, एज अ सेड, इट वाज लॉन्च्ड 5 years ago इन 2016 बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका पर्पस ही था कि हमारे देश के स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए, उनके ऊपर से रेगुलेटरी बर्डन को कम किया जाए। देखिए, रेगुलेटरी बर्डन मतलब तमाम अप्रूवल्स, कि ये ट्रेड लाइसेंस लेकर के आओ, तो यहाँ इन्वायरमेंट से अप्रूवल लो, तमाम लेबर इंस्पेक्टर से अप्रूवल लो, तो वो सारे रेगुलेटरी बर्डन्स को
को कम करने का पर्पस था अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ताकि स्टार्टअप्स आराम से खुल सकें और ऑपरेट कर पाएं। इसके अंदर उन सारे कौन कौन से कंपनीज को स्टार्टअप का टैग दिया जाएगा, तो वो कंपनी जिनका ओवरऑल 5 साल से कम एज है, मतलब देयर इनकॉर्पोरेशन हैज़ बिन डन इन विद इन लास्ट 5 ईयर्स, और जिनकी एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, उन सबको स्टार्टअप्स माना जाएगा। स्टार्टअप्स को क्या क्या बेनिफिट दिए गए हैं अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, तो उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन के राइट्स दिए गए हैं इन मेनी ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड लेबर लॉ। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब आपको आकर के कोई इंस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको खुद जाकर के ऑनलाइन बता देना है कि हाँ हाँ मैं ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को पीएफ देता हूँ, मैं और सारे लेबर लॉज फॉलो कर रहा हूँ। आपको सेल्फ सर्टिफाई करना है, कोई इंस्पेक्ट नहीं करेगा। बीच में कभी कभार किसी एक रैंडम कहीं एक दो जगह इंस्पेक्शन हो सकती है, अदरवाइज आपको कहीं जाकर के अप्रूवल नहीं लेना है, आप खुद ही सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन। और इस तरीके से प्रोविजन को सिंप्लीफाई किया गया स्टार्टअप्स के लिए अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। उसके अलावा एक फंड बनाई गई है 10,000 करोड़ की, इसको कहते हैं फंड ऑफ द फंड्स, कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने एक 10,000 करोड़ की फंड बनाई है। स्टार्टअप्स को कई सब टैक्सेस से, कई अलग अलग तरीके के टैक्सेस से उनको बेनिफिट दिया गया है। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन टैक्स उन पे नहीं लगेगा। इस सब तरीके से स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, और इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के कारण इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, और उसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हैज़ हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग स्टार्टअप कल्चर इन आवर कंट्री। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट टॉक्स अबाउट सक्षम कैंपेन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 4 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो सक्षम कैंपेन है क्या? इट इज अ कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द कंज्यूमर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल, उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका कम से कम कंजम्पशन हो और कम से कम उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो या बाकी सारे जो हार्मफुल गैसेज हैं उनका इमिशन हो। ये पर्पस है सक्षम कैंपेन चलाने का, कि उनका पहले तो इस्तेमाल कम किया जाए ताकि उनको हम बचा के रख सकें, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पेट्रोलियम रिजर्व्स आर वेरी लिमिटेड इन अमाउंट, आने वाले 20-30 सालों में वो खत्म हो जाएंगे, तो उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाए, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके इमिशन को भी रोका जाए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्षम कैंपेन दैट हैज बीन रन बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो सक्षम महोत्सव मनाया जा रहा है, ये पूरे 1 महीने का मंथ लॉन्ग कैंपेन है। आपको अलग 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 जगहों पे होर्डिंग्स वगैरह दिख जाएंगे, अभी सड़कों पे भी आप देखेंगे तो सक्षम का फुल फॉर्म ये संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021। तो पर नाम से आपको पता चल जाएगा संरक्षण क्षमता मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोलियम फ्यूल्स को संरक्षण करके रखना है, कंजर्व करके रखना, उनका अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करना है। अब ये आपको सक्षम याद रहे, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और इसके लिए मैंने ये छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर दिया है। साइना नेहवाल जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, बनाया गया था टू प्रमोट सक्षम कैंपेन, तो ये कैंपेन मुझे दिख गया तो मैंने शेयर कर दिया। मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो क्लिप देख लेंगे तो कभी भी आप सक्षम कैंपेन भूलेंगे नहीं, और प्रीलिम्स में आराम से सही आंसर टिक करके आएंगे। तो एक बार ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना जरूरी है। LPG बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, PCRA द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाएं। आइए दोस्तों, हम ईंधन बचाएं और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट टॉक्स अबाउट शिल्पी दिवस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 आसाम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। सो शिल्पी दिवस, इट इज ऑब्जर्व्ड इन आसाम ऑन 17th January एवरी ईयर इन ऑनर ऑफ पोएट ज्योति प्रसाद अगरवाला साहब। 17th January इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ ज्योति प्रसाद अगरवाला साहब। आपको तो पता ही होगा ज्योति प्रसाद अगरवाला साहब के बारे में, बट फिर भी इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ही इज फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ आसाम, ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ही रोट ड्रामा पोएम फिल्म्स एंड दैट इज वाई ही हैज बिन गिवन द टाइटल ऑफ रूप कुंवर। तो ही इज नोन एज रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अगरवाला।
इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू फील्ड ऑफ आर्ट्स। ज्योतिष प्रसाद अग्रवाल हैज मेड सम कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो। उनके मदर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मदर नेम किरण मोई हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ज्योति प्रसाद अग्रवाल। सी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तेजपुर महिला समिति दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। सी सेटअप सीपनी संघ अ वीविंग सेंटर फॉर वुमेन एट द एंसेस्ट्रल अग्रवाल होम इन तेजपुर कॉल्ड पोकी। तो ज्योति प्रसाद अग्रवाल साहब के जो एंसेस्ट्रल घर हैं तेजपुर में उसको कहते उसका नाम है पोकी। ये जरूरी है, इसको पीटी में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे तो ये सीपनी संघ पहले बनाया उनकी माता जी ने, किरण मोई जी ने, और उसके अलावा गांधी जी जब दो बार उन्होंने तेजपुर विजिट किया, फर्स्ट इन 1921 एंड सेकेंड इन 1934, उन दोनों ही टाइम वो ज्योति प्रसाद अग्रवाल साहब के इस घर पोकी में रुके थे। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ज्योति प्रसाद अग्रवाल साहब के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो अलोंग विद कला गुरु विष्णु प्रसाद रभा साहब ही रोट सोनित कुंवरी एंड जोमती। हिज फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ असम। ही क्रिएटेड चित्रबन स्टूडियो एट तेजपुर इन 1934, क्रिएटेड फर्स्ट असमीज मूवी जोयमती इन 1935, एस्टैब्लिश्ड अ सिनेमा हॉल जुनाकी एट तेजपुर इन 1937। ही क्रिएटेड सेकेंड असमीज फिल्म ऑल्सो इंदिरा मालती इन 1937। और ज्योति प्रसाद अग्रवाला साहब को याद करते हुए, उनको कॉमेमोरेट करते हुए हर साल आपको तो जैसा मैंने बताया आसाम के अंदर शिल्पी दिवस मनाया जाता है, और इस साल शिल्पी दिवस 2021 में 72nd शिल्पी दिवस मनाया जा रहा है। और शिल्पी दिवस के ओकेजन पे ही जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट होते हैं हमारे स्टेट आसाम के अंदर, उनको अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड को कहते हैं शिल्पी बोता या शिल्पी अवार्ड। और ये जो 2021 का शिल्पी बोता या शिल्पी अवार्ड है, दैट हैज़ बिन गिवन टू टू आर्टिस्ट। फर्स्ट वन इज फोक आर्टिस्ट इंद्रेश्वर पेगू एंड सिंगर नमिता भट्टाचार्य। दे हैव बिन गिवन दिस स्टेट गवर्नमेंट्स अवार्ड शिल्पी बोता अवार्ड या शिल्पी अवार्ड। इस अवार्ड के साथ ही 2 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिलता है, एक साइटेशन मिलता है और एक मोमेंटो मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नमिता भट्टाचार्य जी को और इंद्रेश्वर पेगू साहब को, इन दोनों को इस तरह का साइटेशन मिला और 2 लाख का कैश अवार्ड मिला है अंडर शिल्पी बोता या शिल्पी अवार्ड। ये जो दूसरा छोटा सा आर्टिकल है, दिस टॉक्स अबाउट आसाम जियो, आसाम का से रिलेटेड आर्टिकल से, टॉक्स अबाउट जियो बैग्स। तो देखिए ये इमेज से ही आप समझ जाएंगे, बहुत छोटा सा आर्टिकल है। जियो बैग्स होते क्या हैं? जियो बैग्स आर सैंड फिल्ड हाई स्ट्रेंथ जियो टेक्सटाइल बैग्स यूज टू प्रिवेंट इरोजन बाई सी वेव्स और रिवर। सरल शब्दों में कहें तो आप ये देखिए, इस तरह का बैग होता है, हाई स्ट्रेंथ या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक बैग होता है, और उस बैग के अंदर हम सैंड भर देते हैं, और सैंड भर के उसको हम लोग रिवर बैंक्स पे इस तरह से लगा देते हैं, या कभी कभार सी वेव से कोस्ट को बचाने के लिए कोस्टल एरियाज में, सी कोस्ट में लगा देते हैं इस तरह के जियो बैग्स को। इससे जियो बैग्स को होता क्या है कि इरोजन को रोका जा सकता है बहुत हद तक। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ जियो बैग्स। और ये इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे जियो बैग्स लगाए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द ब्रह्मपुत्र रिवर बैंक एट हेलम इन गोहपुर। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग में जरा देखते हैं। देखिए आसाम के अंदर लैंड इरोजन इज अ मेजर प्रॉब्लम, ये तो आप जानते ही हैं। अबाउट 7% ऑफ द लैंड इन द स्टेट 17 रिवराइन डिस्ट्रिक्ट हैज बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ रिवर इरोजन इन लास्ट 50 ईयर्स। तो ये डाटा आप याद रखना, और लैंड इरोजन एक मेजर प्रॉब्लम है। कभी लैंड इरोजन पर सवाल आ जाए मेन्स में, तो वहाँ एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं कि जियो बैग्स आर अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट लैंड इरोजन इन कोस्टल और रिवराइन डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से आप इसका एक लाइन कहीं पर एडिशनल इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल यू प्रीलिम्स टॉपिक फॉर अपकमिंग एपीएससी टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 342 to 344। टॉपिक नंबर 342 इज अबाउट सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर विदाउट और अबाउट वेरी लो रेजिस्टेंस। बेनिफिट्स ऑफ सुपर कंडक्टर, देर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी लॉस इन ट्रांसमिशन। सुपर कंडक्टर्स डेवलप्ड सो फार आर ऑफ 3 types, मर्करी सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन, नायोबियम टिन सुपर कंडक्टर एंड लैंथेनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड सुपर कंडक्टर।
The problem with these superconductors are that they are functional only at very low temperature, somewhere close to minus 200 degrees Celsius, and that is why it makes them not feasible in for practical purposes. और इसी कारण से हाल फिलहाल में एक दूसरे तरीके का सुपर कंडक्टर डेवलप किया गया था, जिस कारण से ये न्यूज़ में भी था, जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर जिस सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते थे. तो ए ग्रुप ऑफ फिजिसिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए मटेरियल दैट कैन इफिशियंटली वर्क और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, एंड दिस सुपर कंडक्टर हैज़ बीन क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड सल्फर कंपाउंड दैट ऑपरेट्स इवन एट रूम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस. लेकिन इसका भी कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका हम रूम टेम्परेचर पे तो हम इसको चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, लगभग 2 मिलियन एटमोसफेयर का प्रेशर चाहिए टू मेक इट और यूज इट एज अ सुपर कंडक्टर. तो पहले इन तीनों में प्रॉब्लम है कि बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, उस कारण से इनका प्रैक्टिकल यूजेज नहीं हो सकता. और इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पर तो हो सकता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, इस कारण से इसका प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं हो सकता. तो इस कारण से दोनों ही तरह के सुपर कंडक्टर अभी के लिए तो प्रैक्टिकल पर्पसेस में मीनिंगलेस हैं. फिर भी ये न्यूज में था, इस कारण से मुझे लगता है कि सुपर कंडक्टर से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 342. टॉपिक नंबर 343 इज अबाउट हिमालयन ब्राउन बियर. इट्स हैबिटेट इज हाई एल्टीट्यूड ओपन वैलीज एंड पास्चर्स नियर द स्नो लाइन दैट इज अबाउट 5500 मीटर्स. इट्स स्टेटस इन IUCN रेड डाटा बुक इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड शेड्यूल 1 इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. इट इज फाउंड इन अबाउट 23 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ स्टेट्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. इट इज ओमिनिवोरस, इट ईट ग्रासेज, रूट्स, बल्ब्स एंड ऑल्सो इंसेक्ट्स एंड स्मॉल मैमल्स लाइक रैट्स, एंड इट्स बिहेवियर इज सॉलिटरी, अकेला रहना पसंद करता है, ग्रुप में नहीं रहता. इट्स नॉट कन्वीवियल एंड डायूरनल, मतलब इट इज एक्टिव इन द डे टाइम. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 343. टॉपिक नंबर 344 इज अबाउट स्नो लेपर्ड. सो स्नो लेपर्ड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 23rd October. स्नो लेपर्ड का जो IUCN स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल, एंड इट इज मेंशन अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, अपेंडिक्स 1 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इट इज़ मेनली फाउंड इन 3 लार्ज लैंडस्केप्स इन इंडिया. फर्स्ट इज इन हेमिस एंड अराउंड नेशनल हेमिस नेशनल पार्क एंड अराउंड एरियाज इन स्पीति वैली, नंदा देवी इन उत्तराखंड, एंड कंचनजंगा एंड तवांग एरिया अलॉन्ग सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हैज बीन ऑल्सो रन इन इंडिया सिंस 2009 इन ऑर्डर टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 344. This is the answer of question number 339 to 341 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. कंबाला जो स्पोर्ट्स दैट इज और दैट बिलोंग्स टू कर्नाटका. एंड सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग इंडोनेशियन आइलैंड. तो जावा आइलैंड इज बिगर देन बोर्नियो आइलैंड, दिस इज रॉन्ग. बट सुलावेसी इज इन नॉर्थ ऑफ बाली आइलैंड, दिस इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.